हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्डीज टेक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिली वायरस के बारे में, जो कि एक रैनसमवेयर ग्रुप का फैमिली का है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो लिंक कुछ जो है आपका इस तरीके का रहने वाला, ठीक है, malwaretips.com करके। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का खुल जाएगा, ठीक है। malwaretips.com करके इस तरीके का कुछ आपका वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आना है दोस्तों आपको नीचे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमूव लिली रैनसमवेयर वायरस रिमूवल गाइड, ठीक है। तो उसके बाद आना है थोड़ा सा नीचे, और तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस वायरस से आप भी इन्फेक्टेड हैं तो आपको कुछ इसी तरीके के रेडमी फाइल करके आपको भी आ रहे होंगे, ठीक है। उसके नीचे आने पर तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे व्हाट इज लिली रैनसमवेयर। यहाँ पे आपको कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पे देखने को आपको मिल जा सकती है। और उसके नीचे आने पर दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही रेडमी फाइल, डोंट वरी यू कैन रिटर्न ऑल योर फाइल्स। उसके नीचे आने पर यहाँ पर हैकर का कुछ ईमेल और कुछ जो है आपको यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएंगे जहाँ से आप हैकर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको पे नहीं करना है, इसीलिए आना है आपको डायरेक्ट नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट समरी, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि रैनसमवेयर कौन सा रैनसमवेयर ग्रुप का ये फैमिली है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन LYLI, ठीक है। उसके नीचे आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो आपको कितने से कितने बिटकॉइन के रूप में आपको हैकर को पे करने होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर दर्शाया गया है कि $490 to $980 बिटकॉइन के रूप में इसको आपको पे करने होते हैं, किसको, हैकर को। उसके नीचे आने पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिए गए हैं और यहाँ पर सिम्टम्स दिए गए हैं कि कोई भी इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो कि LYLY एक्सटेंशन का है, कांट बी ओपेंड बी एनी प्रोग्राम। कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम यदि आपका फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट है तो आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। उसके नीचे आने पर दोस्तों ये देखिए, हाउ डिड द लिली रैनसमवेयर गेट ऑन माई कंप्यूटर, कैसे रैनसमवेयर लिली रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर में अटैक कर पाया। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके टाइम ना लिए हुए, ठीक जो है, मैं इसको करने जा रहा हूँ स्किप। और यहाँ पर फिर है कि रिमूव द लिली रैनसमवेयर एंड रिकवर द फाइल्स। यहाँ पर आप लिली रैनसमवेयर को रिमूव करके फाइल को कर सकते हैं रिकवर। यहाँ पर दोस्तों स्टेप हैं, ये देखिए मैं आपको स्टेप दिखा दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 फोर स्टेप हैं यहाँ पर। पहला क्या है, यूज़ मेलवेयर वाइट फ्री टू रिमूव लिली रैनसमवेयर। मेलवेयर वाइट फ्री को डाउनलोड करके और जो है इससे लिली रैनसमवेयर जो आपके कंप्यूटर में है उसको रिमूव करना है। दोस्तों क्या करना है, पहले लिली रैनसमवेयर को आपके कंप्यूटर में जो अटैक हुआ है उसको पहले रिमूव करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, हिटमैन प्रो है। हिटमैन प्रो को क्या करना है, आपको पहले स्कैन करना है। क्या चीज़ के लिए स्कैन करना है, ट्रोजन्स के लिए या फिर अदर्स मेलवेयर जो कि आपके पीसी में अटैक हो चुके हैं, वो जो है आपको ये स्कैन करके देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है तीसरा स्टेप, यूज क्या बोलते हैं, डबल चेक फॉर मेलिशियस प्रोग्राम विथ MCSoft एमरजेंसी किट। MCSoft एमरजेंसी किट का एक मैं आपको ऐप बताने वाला हूँ, जहाँ पे क्या करना है, कोई भी मेलिशियस प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में रह गए हैं तो वो डबल चेक जो है वो करेगा, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है यहाँ पे, रिस्टोर द फाइल्स इनक्रिप्टेड बाय द लिली रैनसमवेयर। लिली रैनसमवेयर से क्या करना है आपको, फाइल जो है वो क्या करना है आपको, रिकवर करना है। तो दोस्तों पहले स्टेप की ओर चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी, यूज मेलवेयर बाइट फ्री टू रिमूव लिली रैनसमवेयर। लिली रैनसमवेयर को रिमूव करने के लिए मेलवेयर बाइट को जो है ये डाउनलोड आपको करना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इस वेबसाइट से जो है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। इसको देते हैं खुलने के लिए थोड़ा सा वक्त, और इसको नीचे देखते हैं कि अगर ये आपका डाउनलोड हो जाता है तो दोस्तों देखिए, ये देखिए इस तरीके का आपको यहाँ पर डाउनलोड होगा। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मेरा यहाँ पर खुल चुका है, और ये देखिए खुल चुका है यहाँ पर। और आपको जाना है दोस्तों सीधा नीचे, और यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड फ्री करके, ये देखिए डाउनलोड फ्री में क्लिक करना है और ये जो है आपका हो जाएगा डाउनलोड। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा डाउनलोड यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये देखिए आना है आपको थोड़ा सा नीचे, और ये देखिए यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, और ये देखिए आपको पर्सनल कंप्यूटर चूज करके
उसके बाद ये देखिए इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये देखिए इंस्टॉल में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ये वाला नहीं चूज करके 14 डेज ट्रायल नहीं चूज करके यूज मैलवेयर बाइट फ्री को चूज करना है। और ये देखिए यहाँ पे देखिए स्कैन पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है, और थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा फाइल जो है वो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्वारंटाइन में क्लिक करके आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट मांगेगा, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से मेरा पहला स्टेप ख़त्म होता है। आते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो यहाँ पर क्या है, हिटमैन प्रो को आपको डाउनलोड करना है, तो ये वाला लिंक को आपको ओपन करना है। और जैसे ये लिंक को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है आपका डाउनलोड होगा, ये देखिए हिटमैन प्रो करके, ठीक है। और वहाँ के बाद जो है यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरीके का खुल जाएगा स्क्रीन प्रॉम्प्ट्स, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए 30 डे ट्रायल करके यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। बस वहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही आपका डाउनलोड होगा तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आने वाला है। और यहाँ पे ये देखिए, बस एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आएगा, उसके बाद यहाँ यस पे क्लिक करना है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट पे, और यहाँ पे नीचे ये देखिए नेक्स्ट पे, और ये देखिए ये देखिए ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इंस्टॉल होते ही, ताकि ये पूरी फाइल को जो है फटाफट से जो है वो स्कैन कर सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्टिवेट फ्री लाइसेंस, यहाँ देखिए दो चीज़ है, प्रोडक्ट की है, उसके बाद ये देखिए एक्टिवेट फ्री लाइसेंस है, तो यहाँ पर एक्टिवेट फ्री लाइसेंस आपको करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ये देखिए आपको ईमेल आईडी, और फिर एक बार ईमेल आईडी मीन्स दो बार ईमेल आईडी मांगेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों ऐसे जो है इसमें हमारा जो है स्टेप टू ख़त्म होता है। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप की ओर। यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या है, आपको MCSoft एमरजेंसी किट को जो है डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको करना है क्लिक, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज जो है कुछ इस तरीके से खुल जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का खुल जाता है, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। आप जैसे ये डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपका इस तरीके का डाउनलोड हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप डबल क्लिक मारेंगे तो ये देखिए इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और ये पूरी तरीके से जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये देखिए स्टार्ट MCSoft एमरजेंसी किट को आपको करना है स्टार्ट, और ये देखिए यस। उसके बाद ये देखिए जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये देखिए मैलवेयर स्कैन आपको करना है, और उसके बाद जो है ये देखिए फाइल जो है वो डायग्नोस्टिक करके स्कैन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पाँचवें नंबर की ओर। तो यहाँ पर पाँचवा नंबर क्या है मेरा, क्लिक ऑन क्वारंटाइन सिलेक्टेड। जो भी यहाँ पर आपका क्वारंटाइन यहाँ पर हुआ है फाइल, जो कुछ भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक होकर आया हुआ है, इसको आपको करना है सेलेक्ट। और ये देखिए नीचे यहाँ पर क्वारंटाइन सिलेक्टेड का जो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको करना है सेलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या है मेरा पाँचवा नंबर का जो स्टेप है, जो कि क्या था, MCSoft एमरजेंसी किट को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो भी फाइल मेरा जो है वो ख़त्म हुआ है, उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए पहला मेरा क्या था, मैं आपको फिर से जो है इसको बता दे रहा हूँ। ये देखिए पहला जो मेरा स्टेप था जहाँ पे मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए डबल चेक फॉर द मैलिशियस प्रोग्राम विद MCSoft एमरजेंसी किट। तो वही चीज़ आपको थर्ड स्टेप में करना है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर थर्ड स्टेप करेंगे पूरा, तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए रिस्टोर द फाइल इनक्रिप्टेड बाय द लिली रैनसमवेयर। जो भी फाइल आपका इनक्रिप्टेड हो गया है उसको डिक्रिप्ट आपको करना है। अब उसके बाद डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे, ये देखिए आपको एक ये यहाँ पर दिया गया है कि मेक श्योर यू रिमूव द मैलवेयर फ्रॉम द सिस्टम फर्स्ट, अदरवाइज इट विल रिपीटली लॉक योर सिस्टम और इनक्रिप्ट फाइल्स। जो भी आपके यहाँ पर हैं मैलवेयर हैं तो उसको क्या करना है आपको, पहले रिमूव करना है, जैसा मैंने पहले तीन स्टेप में बताया। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम फिर से लॉक हो जा सकता है। जो भी फाइल आपका जो है डिक्रिप्टर है या फिर डिक्रिप्टेड है फिलहाल अभी, तो वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन वन में क्या है कि यूज MCSoft डिक्रिप्टर फॉर स्टॉप डीजे व्यू टू रिस्टोर द फाइल। यहाँ पर दो तरीका है, ठीक है, सॉरी दो तरीका नहीं, ये यहाँ पे देखिए MCSoft डिक्रिप्टर ही यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। ये देखिए
ये वाला लिंक को करना है ओपन, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिंक करेंगे इस तरीके का, कुछ इस तरीके का खुल जाएगा आपका। तो यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का डाउनलोड होगा। और उसके बाद जो है स्क्रीन प्रॉम्प्ट में यहाँ आपको यस पे क्लिक करके ये देखिए क्लिक ऑन डिक्रिप्ट पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। ये देखिए डिक्रिप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पर। और जैसे ये स्टार्टिंग होगा ख़त्म भी होगा ये। और उसके बाद जो है आपका जो भी फाइल है, जो भी फाइल आपका यहाँ पर इनक्रिप्टेड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस फाइल को डिक्रिप्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो जहाँ पे मैंने जो है लिली रैंसमवेयर को रिकवर करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ल्ड स्टैक को भी आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो बाय बाय एंड वंदे मातरम।